बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट्स के, रेल जॉइंट्स की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, और इसकी तमाम तफसील आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रेल जॉइंट्स के, रेल जॉइंट्स क्या है। रेलों को जोड़कर लंबा किया जाता है, इस जो इनमें जो जोड़ होते हैं, ठीक है, बहुत से जोड़ इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको रेल जॉइंट्स कहा जाता है। जोड़ वाली जगह पर रेल कमजोर होती है, इसलिए जोड़ मुमकिन हद तक मजबूत बनाना चाहिए। जोड़ ऐसा होना चाहिए जो जुड़ने वाली दोनों रेलों को अपनी जगह पर हमवार रख सके, ठीक है, इनको हम कहते हैं रेल जॉइंट्स। इनकी टाइप्स आ जाती हैं आगे, लेकिन इनकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पोजिशन और दूसरा अकॉर्डिंग टू स्लीपर्स। अकॉर्डिंग टू पोजीशन का क्या मतलब है कि पोजीशन के लिहाज से, एक हालत के लिहाज से इनकी दो एग्जाम है, नंबर वन स्केयर जॉइंट्स और नंबर टू स्टैगर्ड जॉइंट, ठीक है, उर्दू में हम कह सकते हैं मुरब्बा जॉइंट्स और नंबर टू बिखरे हुए जॉइंट्स, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू स्लीपर्स के तकसीम बिलहाज स्लीपर क्या है, सबसे पहले सस्पेंडेड जॉइंट्स और दूसरा है पोर्टेड जॉइंट्स और तीसरा है ब्रिज जॉइंट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं कि स्केयर जॉइंट्स क्या है। स्केयर जॉइंट्स जब दो मतवाली लाइनों पर आने वाले जोड़ एक दूसरे के आमने सामने हो तो जोड़ों की इस तरतीब को स्केयर जॉइंट्स कहा जाता है। अक्सर सीधी रेलवे लाइनों पर ज्यादातर ऐसे ही जोड़ मुहैया किए जाते हैं। रेल जॉइंट्स ऑन वन ट्रैक और एक्सैक्टली अपोजिट टू द जॉइंट्स ऑन द अदर साइड्स आर कॉल्ड स्केयर जॉइंट्स। फिर है जनाब स्टैगर्ड जॉइंट्स, यानी कि उर्दू में से कहते हैं बिखरे हुए जॉइंट्स। इस किस्म के जोड़ों की तरतीब इस तरह होती है कि एक रेल का जोड़ दूसरे मतवाजी रेल के मरकज के सामने आ जाता है। अक्सर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये इसे बाहर धकेलने की कोशिश करती है, ठीक है, इसलिए ये जो जॉइंट्स होते हैं वो गलाइयों पर लगने वाली उसकी ताकत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। स्केयर जॉइंट की निस्बत इस जोड़ पर गाड़ियां ज्यादा रवानी से यानी स्मूथली चल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू स्लीपर्स के, स्लीपर के लिहाज से जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले सपोर्टेड जॉइंट्स, अ रेल जॉइंट इन अ रेल रोड, रेल हैविंग अ स्लीपर डायरेक्टली अंडर द रेल एंड्स। दो रेलों को जोड़ने के लिए अलग वाला जोड़ अगर स्लीपर के बिल्कुल ऊपर लगाया जाए तो इसे जोड़ को सपोर्टेड जॉइंट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है सस्पेंडेड जॉइंट, अ जॉइंट अ रेल जॉइंट कमिंग बिटवीन टू रेल स्लीपर्स और सम पोर्शन ऑफ रेल इज कैंटिलीवर एट द पॉइंट। सस्पेंडेड जॉइंट्स है ना, वो दो रेलों को जोड़ने के लिए अलग वाला जॉइंट्स अगर दो स्लीपर के दरमियान वाक्य हो तो इस जॉइंट को हम कहेंगे सस्पेंडेड जॉइंट्स। इसके बाद है ब्रिज जॉइंट, व्हेन द रेल एंड्स आर प्रोजेक्टेड बियॉन्ड स्लीपर एज इन केस ऑफ सस्पेंडेड जॉइंट एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ फ्लैट और प्रोजेक्टेड प्लेट्स कॉल्ड अ ब्रिज प्लेट, इट इज टर्म्ड एज अ ब्रिज जॉइंट। इस किस्म का जोड़ भी सस्पेंडेड जॉइंट जैसा ही होता है, फर्क सिर्फ ये है कि जोड़ की दोनों तरफ बने स्लीपों के ऊपर जोड़ के नीचे एक मेटल प्लेट रख दी जाती है। ये प्लेट जोड़ को सहारा देती है। ये प्लेट स्लीपरों के किनारों को प्लेट की मोटाई के बराबर काट कर रखी जाती है या फिर इन दोनों स्लीपरों को प्लेट की मोटाई के बराबर देगर स्लीपरों से नीचे रखा जाता है। जोड़ के इतराफी स्लीपरों को डिजाइन के मुताबिक फिस्ट होना चाहिए ताकि ये ना तो नीचे धंस सके और ना ही उलट सके, लेकिन उंगली तौर पर ऐसा नहीं होता, इसलिए इस किस्म के जोड़ आजकल नहीं लगाए जाते। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।